हेलो दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए अब इसको आगे हम देखते हैं। ये इसका मैनुअल है, देख सकते हैं आप। ये इसका फैन है अंदर से, ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, वाटर लेवल अलार्म नहीं दिया हुआ है इसको। तो चलिए इसके व्हील्स लगा देते हैं अब। ये मैं व्हील्स लगा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये व्हील्स हैं छोटे छोटे, इसको ऐसे लगाना होता है। पुश कर दीजिए इसको, ये लग गए। ऐसे ही चार व्हील्स हैं। नीचे से मेरे की, और ये आपका वाटर रिलीज़ करने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ से आप वाटर रिलीज़ कर सकते हैं जब आपको टंकी साफ़ करना होगा। तो ये इस होल से वाटर रिलीज हो जाएगा। फिर इसको आप लगा दीजिए। क्वालिटी कुछ खास नहीं है इसकी, एवरेज सा कूलर है। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। तो मैंने इसे फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ओपन ये, चलिए ये व्हील्स हैं इसके। 360 रोटेशन हो रही है, देख सकते हैं। तो इधर ले जाना हो आप ले जा सकते हैं। चलिए अभी फिर वाटर फिल करते हैं। इस पे वाटर फिल करके हम देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ वाटर फिलिंग के लिए लगा दिया है। वाटर फिल हो रहा है। छोटी सी टंकी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर वाटर फुल हो जाएगा तो यहाँ से ओवरफ्लो होगा। ये थोड़ा यहाँ पर डैमेज टाइप का है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर का स्पेस है, ऐसे ही एक स्पेस यहाँ पर भी है, देख सकते हैं आप। तो आप जब भी मंगाएं तो ये सब कुछ देख रहे। चलिए अब इसे चालू करके देखते हैं। ये इसका स्विच है छोटा सा, ये काम कैसा करते हैं ये देखते हैं। ये अभी लो फ्लेम में है, ये स्विंग होने लग गया है। इसे आपको खुद मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। अंदर का जो भी है वो ऑटोमेटिक है। हवा की स्पीड कोई ख़ास नहीं है, मैंने फुल फ्लेम करके रखा हुआ है। फुल प्लस स्विंग में करने से स्विंग हो रहा है। चलिए हम आपको इसकी स्पीड दिखा देते हैं। मैंने कैपर लिया है, ये देखिए, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। पेपर को भी अच्छे से नहीं उड़ा पा रहे, ये देखिए।
चलिए इसे मीडियम में करके देख लेते हैं। मैंने हाई स्पीड में करके रखा था, अब इसे हम मीडियम में करते हैं। मीडियम में क्या स्पीड है इसकी? मीडियम में ये देखिए, और लो में क्या स्पीड है ये देखते हैं। लो कर देते हैं, ये लो स्पीड है। हाँ, पर्सनल यूज़ के लिए ये सही है, सिंगल पर्सन के लिए, तो आप लोग इसे सिंगल यूज़ के लिए ले सकते हैं, लेकिन डबल या फिर अधिक लोगों के लिए ये सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो दृष्टि IAS की पेन ड्राइव कोर्स को लेकर के होगी, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के लिए। तो हमारी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।